सो हेलो फ्री फायर लवर्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी। आई होप सभी बहुत बहुत बढ़िया और मस्त होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। सो गाइस यार भाई, जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप यूरोप सर्वर में कैसे जा सकते हैं, वो भी कोई भी वीपीएन एंड कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए बिना। सो गाइस यार भाई, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा का पूरा यूरोप सर्वर घुमाने वाला हूँ एंड गाइस यार भाई, इसी के साथ साथ उसके स्टोर एंड लक रॉयल भी दिखाने वाला हूँ, वहां पर एंड इंडिया में क्या फर्क आपको मिल जाता है, ठीक है। तो गाइस यार भाई, आप समझ सकते हैं ये वीडियो आप सभी फ्री फायर प्लेयर्स के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड कितनी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो गाइस यार भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसी के साथ साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सिलेक्ट कर दीजिए, बिकॉज गाइस मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। तो गाइस यार भाई, अभी आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर से अपने यूरोप सर्वर के अकाउंट में एंड अभी चल मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यूरोप सर्वर का अकाउंट है या नहीं। तो गाइस यार भाई, अभी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक किया एंड अभी आप यहाँ पर से मेरा सर्वर देख सकते हैं जो कि यूरोप सर्वर है। तो गाइस यार भाई, अभी चल आपको सबसे पहले इसके स्टोर दिखा देता हूँ कि इसके स्टोर में आपको क्या क्या अवेलेबल मिल जाता है। सो गाइस यार भाई, अभी आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर से स्टोर के ऑप्शन में आ चुके हैं एंड गाइस यार भाई, अभी चल मैं आपको यहाँ पर से बंडल के ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एंड गाइस यार भाई, अभी आप यहाँ पर से इनके कुछ बंडल देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई यहाँ पर से स्टोर में अवेलेबल आपको मिल जाते हैं। एंड गाइस यार भाई, अभी आप इसको एक क्लिप में पूरे के पूरे बंडल देख सकते हैं। सो गाइस यार भाई, अभी आपने यहाँ के पूरे बंडल देख लिए, लेकिन गाइस यार भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पर बंडल्स का प्राइस इंडिया सर्वर से ज्यादा है, ठीक है। एंड अभी आप ये सारे के सारे बंडल देख सकते हैं। अभी आप गाइस यार भाई इस स्ट्रीट बॉय बंडल को देख सकते हैं जो कि इंडिया में शायद से गाइस 1100 डायमंड का है, लेकिन यहाँ पे गाइस यार भाई 2500 डायमंड का ये बंडल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अभी चल मैं आपको यहाँ पर सीधा करेक्टर के ऑप्शन में चलता हूँ। सो गाइस यार भाई, अभी आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर करेक्टर के ऑप्शन में आ चुके हैं एंड गाइस यार भाई, अभी आप यहाँ पर कुछ करेक्टर देख सकते हैं एंड गाइस यार भाई, अभी आप इनके प्राइस भी देख सकते हैं जो कि आपको कुछ इस टाइप के मिल जाते हैं। एंड गाइस यार भाई, यही सेम प्राइस आपको इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। एंड गाइस यार भाई, इसी के साथ साथ अभी आप यहाँ पर करेक्टर्स के बंडल भी देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई आपको ठीक ठाक प्राइस में मिल जाते हैं। एंड अभी आप देख सकते हैं गाइस यार भाई, यही बंडल आपको इंडिया सर्वर में भी शायद से इतने ही डायमंड में मिलते होंगे, गाइस यार भाई आपको पता ही होगा, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ अभी आप यहाँ पर फ्रेगमेंट वगैरह भी देख सकते हैं। तो गाइस यार भाई, इसी के साथ साथ अभी चलिए फैशन में चलते हैं एंड गाइस यार भाई, अभी आप यहाँ पर ये तड़कता भड़कता हेयर स्टाइल देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई काफी कमाल का एंड काफी खतरनाक हेयर स्टाइल लग रहा है एंड अभी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस यार भाई, इसी के साथ साथ अभी आप और भी बहुत सारे हेयर स्टाइल देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई इसमें से कुछ इंडिया में अवेलेबल है एंड गाइस यार भाई कुछ इंडिया में अवेलेबल नहीं होंगे। तो गाइस यार भाई, इसी के साथ साथ अभी आप यहाँ पर इसका चश्मा का सेक्शन देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है एंड गाइस यार भाई, अभी आप इसका फेस मास्क वगैरह पूरा देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई आपको कुछ इस टाइप के यहाँ पर से अवेलेबल मिल जाते हैं। एंड गाइस यार भाई, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाते हैं जो कि गाइस यार भाई शायद से इंडिया में नहीं अवेलेबल हो। एंड गाइस यार भाई, अभी आप इन सारे के सारे हेयर स्टाइल्स को देख सकते हैं। तो गाइस यार भाई, अभी आप इसके शर्ट वगैरह भी देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई आपको काफी कमाल के प्राइस में देखने के लिए मिल जाते हैं एंड यहाँ पर कुछ इतना खास भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन गाइस यार भाई फिर भी अभी आप इसका फैशन सेक्शन देख सकते हैं जो कि यूरोप सर्वर में आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है। एंड गाइस यार भाई, अभी मैं आपको इन सबको एक एक करके दिखा भी रहा हूँ जिससे कि गाइस यार भाई आपको कंफर्म हो जाएगा कि यूरोप सर्वर में आपको क्या क्या अवेलेबल मिल जाता है। तो गाइस यार भाई, अभी आप इसी के साथ साथ इसका बॉटम सेक्शन भी देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है, लेकिन गाइस यार भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो इसका प्राइस है वो काफी ज्यादा है एंड अभी आप इनको देख सकते हैं, मतलब कि गाइस यार भाई 600 डायमंड का यहाँ पर आपको सिर्फ पैंट मिल रहा है, ठीक है। एंड अभी आप इन सारे के सारे पैंट वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है। एंड गाइस यार भाई, यहाँ पर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता, हो सकता है गाइस यार भाई यहाँ पर से आपको एक दो रिवार्ड ज्यादा मिल जाए, लेकिन गाइस यार भाई अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम मिल रहा है, ठीक है। एंड अभी आप इसको देख सकते हैं शायद से गाइस ये वाला ये आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। एंड अभी आप इन सारे के सारे बॉटम वगैरह को देख सकते हैं। तो गाइस यार भाई, आप शूज तो देखेंगे नहीं तो इसको दिखाने का कोई लॉजिक बनता ही नहीं, फिर भी गाइस यार भाई अभी आप यहाँ पर कुछ शूज वगैरह देख सकते हैं जो कि यहाँ पर के पॉपुलर शूज वगैरह हैं, ठीक है। सो गाइस यार भाई, इसी के साथ साथ अभी आप इसके ये पूरा का पूरा बंडल देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई पूरा बंडल होता है एंड अभी आप इसका भी पूरा का पूरा बंडल सेक्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाता है जो कि इंडिया सर्वर में अवेलेबल नहीं है एंड इसी के साथ साथ अभी आप इसका प्राइस भी देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई काफी कमाल का प्राइस है, यहाँ पर बहुत ही महंगा है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ गाइस यार भाई, अभी आप इसका कलेक्शन सेक्शन देख सकते हैं। गाइस यार भाई, मैं आपको बता दूं कलेक्शन सेक्शन में आपको यहाँ पर से बहुत ही खास रिवार्ड मिल जाता है एंड अभी आप देख सकते हैं गाइस यार भाई, यहाँ पर आप अपने नेम का फर्स्ट लेटर भी परचेस कर सकते हैं, इस नेम से भी गाइस यार भाई आपका नेम पड़ता हो, ठीक है। एंड अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर से लेकर जेड तक फर्स्ट लेटर अवेलेबल मिल जाता है जो कि गाइस यार भाई सिर्फ और सिर्फ 50 डायमंड में आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ गाइस यार भाई, अभी आप लूट बॉक्स भी देख सकते हैं जो कि गाइस यार भाई सेम लूट बॉक्स है जो कि हमारे इंडिया सर्वर में भी अवेलेबल है एंड अभी आप इन सारे के सारे लूट बॉक्स को देख सकते हैं जिनको कि मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ। एंड इसी के साथ साथ गाइस यार भाई, बैकपैक की बात करें तो गाइस यार भाई बैकपैक के मामले में ये सर्वर बहुत ही नीचे है एंड अभी आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ बैकपैक है जो कि गाइस यार भाई अच्छे, लेकिन गाइस यार भाई अभी आप इसके और भी बैकपैक देख सकते। तो गाइस यार भाई, इसी के साथ साथ आप पैराशूट वगैरह देखेंगे नहीं तो गाइस यार भाई इसको
दिखाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो फिर भी गाइस देयर भाई अभी आप यहाँ पर से इसके कुछ पॉपुलर स्केटबोर्ड वगैरह देख सकते हैं। तो गाइस देयर भाई इसी के साथ साथ अभी आप यहाँ पर से इसको व्हीकल सेक्शन देख सकते हैं, जो कि गाइस देयर भाई काफी कमजोर है एंड गाइस देयर भाई इसका प्राइस भी काफी ज्यादा है, ठीक है, एंड अभी आप फिर भी इसको देख सकते हैं। तो गाइस देयर भाई इमोट सेक्शन की बात करें तो गाइस देयर भाई अभी आप यहाँ पर इमोट भी देख सकते हैं, जिनका की गाइस देयर प्राइस काफी ज्यादा है एंड फिर भी गाइस देयर भाई यहाँ पर कोई भी ढंग का इमोट अवेलेबल नहीं है। एंड गाइस देयर भाई अभी आप देख सकते हैं इसके प्राइस, मतलब की गाइस देयर भाई 800 डायमंड का कौन सा इमोट मिलता है भाई, एंड यहाँ पर 800 डायमंड के ये इमोट मिलते हैं, ठीक है, एंड अभी आप इसको देख सकते हैं। तो गाइस देयर भाई इसी के साथ साथ अभी आप यहाँ पर पेट वगैरह भी देख सकते, जो की गाइस देयर भाई सेम प्राइस में आपको मिल जाते हैं इंडिया में भी और यहाँ पर भी। तो गाइस देयर भाई इसी के साथ साथ अभी आप यहाँ पर इसका आर्मरी सेक्शन देख सकते, जो की गाइस देयर भाई काफी कमाल का आर्मरी सेक्शन है एंड गाइस देयर भाई अभी आप इसके सारे के सारे गन्स को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर से आर्मरी सेक्शन में अवेलेबल मिल जाते हैं। लेकिन गाइस देयर भाई इसका आर्मरी सेक्शन का प्राइस भी देख लीजिए, जो कि काफी ज्यादा है एंड गाइस देयर भाई यहाँ पर जितनी भी लेजेंडरी गन है उसका प्राइस 90 डायमंड है एंड इसी के साथ साथ जो गाइस देयर भाई थीम गन है उनका 50 डायमंड, मतलब की गाइस देयर हद है। एंड गाइस देयर भाई अभी आप यहाँ पर इसका आर्मरी सेक्शन देख सकते हैं, जो कि गाइस देयर भाई काफी खतरनाक सा आर्मरी सेक्शन है। फिर भी गाइस देयर भाई अभी आप इसका पूरा का पूरा आर्मरी सेक्शन देख सकते हैं एंड गाइस देयर भाई यहाँ पर आपको कोई भी M80-87 का क्रिएट नहीं मिलता एंड अभी आप इसको पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो गाइस देयर भाई इसी के साथ साथ अभी मैं आपको यहाँ पर क्रिएट सेक्शन दिखा देता हूँ। गाइस देयर भाई अभी आप इसका क्रिएट सेक्शन भी देख सकते हैं। गाइस देयर भाई यहाँ पर क्रिएट सेक्शन का भी प्राइस काफी ज्यादा है, मतलब कि गाइस देयर भाई अभी आप देख सकते हैं ये जो क्रिएट हमारे इंडिया में 20 की 25 डायमंड का है वो यहाँ पर 50 डायमंड में मिलता है, ठीक है, एंड अभी आप इसका पूरा का पूरा क्रिएट सेक्शन वगैरह देख सकते हैं, जो कि गाइस देयर भाई काफी खतरनाक से क्रिएट सेक्शन है एंड गाइस देयर भाई यहाँ पर भी आपको कुछ भी अवेलेबल नहीं मिलता। सो गाइस देयर भाई इसी के साथ साथ अभी आप इसका गिफ्ट सेक्शन भी देख सकते हैं, जो कि गाइस देयर भाई आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है। लेकिन गाइस देयर भाई फिर वही बात, यहाँ पर जो प्राइस है वो काफी ज्यादा एंड गाइस देयर भाई यूरोप सर्वर वाले इसको कैसे मैनेज करते हैं मुझको नहीं पता, लेकिन अगर इंडिया में इतना प्राइस कर दिया जाए तो लोग गेम खेलना ही छोड़ देंगे। एंड अभी आप ये सारे का सारा इसका गिफ्ट सेक्शन के बंडल्स देख सकते हैं। एंड गाइस देयर भाई बंडल्स तो अभी आपने देख लिया एंड अभी आप करेक्टर भी देख सकते हैं, जो कि गाइस देयर भाई आपको कुछ इस टाइप के करेक्टर मिल जाते हैं। यहाँ पर जितने भी न्यू करेक्टर है आप उनको नहीं सेंड कर सकते एंड इसी के साथ साथ फैशन सेक्शन भी अभी आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर से गिफ्ट हो जाता है, ठीक है, एंड इसी के साथ साथ अभी आप आइटम वगैरह भी देख सकते हैं। गाइस देयर भाई मैं आपको कलेक्शन में दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पर से इनको क्या क्या सेंड कर सकते हैं। गाइस देयर भाई अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर से आप ये बैकपैक वगैरह भी सेंड कर सकते हैं एंड इसी के साथ साथ अभी आप इमोट भी देख सकते हैं। यहाँ पर से आपको कोई भी लेजेंडरी इमोट नहीं मिलता जिसको कि आप सेंड कर दें एंड इसी के साथ साथ आप यहाँ पर से कार वगैरह भी गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन प्राइस काफी ज्यादा मिल जाती है आपको। सो गाइस देयर भाई अभी आपका इंतजार होता है खत्म एंड गाइस देयर भाई अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इसका मैजिक क्यूब का सेक्शन, जो कि गाइस देयर भाई ठीक ठाक सा मैजिक क्यूब का सेक्शन है, लेकिन गाइस देयर भाई यहाँ पर एक दो बंडल ज्यादा अवेलेबल मिल जाते हैं। एंड गाइस देयर भाई अभी फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये दो बंडल देख सकते हैं, जो कि गाइस देयर भाई यहाँ पर न्यू ऐड हुए एंड गाइस देयर भाई ये शायद ही किसी सर्वर में ऐड हो एंड अभी आप इन दोनों बंडल को देख सकते हैं। गाइस देयर भाई सिर्फ यही दो बंडल है जो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड है, बाकी गाइस देयर भाई सेम वही है जो हमारे इंडिया सर्वर में है। एंड गाइस देयर भाई इसी के साथ साथ आपको एफएफ टोकन में आपको एक एक्स्ट्रा गन की स्किन मिल जाती है, जो कि अभी आप देख सकते हैं। एंड गाइस देयर भाई यहाँ पर भी एफएफ टोकन में गन के सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। गाइस देयर भाई रैंक टोकन की तो बात ही ना करो एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलता। तो गाइस देयर भाई इसी के साथ साथ अभी चल मैं आपको इसका लक रॉयल सेक्शन भी घुमा देता हूँ, जो कि गाइस देयर भाई काफी कमाल का लक रॉयल का सेक्शन है एंड गाइस देयर भाई यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल कमाल के रिवार्ड भी आपको मिल जाएंगे। तो गाइस देयर भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम लोग यहाँ पर सबसे ऊपर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस देयर भाई अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर टोकन टावर में एक AK-47 की स्किन आई हुई है, जो कि गाइस देयर भाई काफी घटिया सी स्किन है एंड गाइस देयर भाई ये टोकन टावर में कैसे आ गई मुझको यही नहीं समझ आ रहा, मतलब कि गाइस देयर भाई अभी आप इसका एट्रीब्यूट देखो उसके बाद ये कहाँ पे आई है अभी आप इसको देखो, ठीक है, मतलब इसको कौन परचेज करेगा, इससे अच्छे तो हमारे यहाँ फ्री में मिल जाती है। एंड इसी के साथ साथ गाइस देयर भाई अभी आप इसका डायमंड रॉयल भी देख सकते हैं, जो कि हमारे इंडिया में वही यहाँ पर है। यहाँ पर गाइस देयर भाई डायमंड रॉयल के अंदर का सेक्शन एकदम से चेंज है। गाइस देयर भाई गोल्ड रॉयल भी काफी कमाल का है एंड गाइस देयर भाई अभी आप इसका गोल्ड रॉयल भी देख सकते हैं, जो कि गाइस देयर भाई काफी कमाल का गोल्ड रॉयल यहाँ पर अवेलेबल है। एंड गाइस देयर भाई इसी के साथ साथ आपको गोल्ड रॉयल में कुछ आपको करेक्टर भी मिल जाते हैं जिनको कि अभी आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अभी आप इसका वेपन रॉयल भी देख सकते हैं, जो कि गाइस देयर भाई सेम है जो हमारे इंडिया सर्वर में अवेलेबल है। गाइस देयर भाई इसके अंदर आपको कुछ ज्यादा गन्स अवेलेबल नहीं मिलती, फिर भी गाइस देयर भाई अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 3-4 गन ज्यादा अवेलेबल मिल जाती है। एंड गाइस देयर भाई अभी आप इसके इनक्यूबेटर देख सकते हैं, जो कि गाइस देयर भाई काफी कमाल के इनक्यूबेटर। एंड गाइस देयर भाई अभी ये इंडिया में नहीं आया हुआ। इसी के साथ साथ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर से आपको इनक्यूबेटर में कुछ अलग दिखाई दे रहा होगा, वो क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। गाइस देयर भाई इंडिया सर्वर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ब्लूप्रिंट एंड एक इवोल्यूशन स्टोन मिलता होगा, लेकिन गाइस देयर भाई यहाँ पर आपको 3-3 ब्लूप्रिंट मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब कि गाइस देयर भाई इनको ये बंडल निकालने का चांस ज्यादा मिलता है। एंड इसी के साथ साथ अभी आप इसका वेपन रॉयल भी देख सकते हैं, जो कि गाइस देयर भाई काफी कमाल का है। यहाँ पर गाइस देयर भाई आपको 2 इवोल्यूशन स्टोन एंड 2 ब्लूप्रिंट मिलते हैं। तो गाइस देयर भाई अभी आप इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ पर से गाइस देयर भाई ये जो जोकर का बंडल है ये यहाँ पर फेडेड व्हील में अवेलेबल है। एंड गाइस देयर भाई अभी आप देख सकते हैं ये बंडल आपको इंडिया सर्वर में फ्री में मिला है, यानी कि गाइस देयर भाई मैजिक क्यूब में मिला था, ठीक है। एंड इसी के साथ साथ गाइस देयर भाई अभी आप यहाँ पर से और भी एक फेडेड व्हील देख सकते हैं, जहाँ पर गाइस देयर भाई इनको थॉमसन की स्किन मिल रही है। सो गाइस देयर भाई ये था हमारा यूरोप सर्वर एंड गाइस
गाइज़ भाई मैंने आपको दिखा दिया इसको स्टोर, एंड गाइज़ भाई इसी के साथ साथ इसका लग रॉयल। आई होप गाइज़ आपको पता चल गया होगा कि यूरोप सर्वर कैसा है एंड आपको यूरोप सर्वर की आईडी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो गाइज़ भाई ये थी आज की वीडियो, वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इसी के साथ साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।